नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर शारदा, डॉक्टर शारदा होम्योपैथी में आप सभी का काफ़ी स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे बालों की हेल्थ के बारे में। तो अपने बालों को कैसे स्वस्थ रखना है और किस तरह अपनी क्राउनी ग्लोरी वापस हमें लानी है, यह आज हम जानेंगे। वीडियो अंत तक देखिएगा ताकि आपको भी अपने बालों की पूरी समस्या से इन्फॉर्मेशन मिल सके। फ्रेंड्स, बालों की समस्या क्या हो जाती है? जब मैं देखती हूँ पेशेंट्स, तो मोस्टली वो जब बाल काफ़ी थिन होने लगते हैं या जब कहीं भी रिस्पांस नहीं आ रहा है, अभी कुछ हाथ में नहीं बचा है, जैसे अभी बाल ही पूरी तरह चले जाएंगे, यहाँ जब उनमें फियर आ जाता है तब वह डॉक्टर के पास या मेरे पास अप्रोच करते। तो आप बिल्कुल ऐसा ना करिए। जब भी आपको लगे कि हमारे बाल झड़ रहे हैं, ज़रूरत से ज़्यादा झड़ रहे हैं, या उसमें ड्राइनेस आ रही है, या बहुत चिपचिपापन आ रहा है, या रूसी हो रही है, बालों के झड़ने की वजह क्या क्या होती है, तो हार्मोनल इम्बैलेंस ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है फीमेल में भी और मेल में भी। फीमेल के अंदर, लेडीज़ में मैं देखती हूँ कि उनके इरेगुलर मेंसेस, जैसे महावारी ठीक से न आना, पीसीओडी, पीसीओएस, मोटापा और थायराइड, तो यह एक प्रमुख कारण है बालों का झड़ना। लेडीज़ में बालों का झड़ना बहुत बहुत आम बात है। तो लेडीज़, आप अपने हार्मोन टेस्ट बीच बीच में ज़रूर कराते रहिए, पेट में भी सोनोग्राफी कराते रहिए यदि आपको इरेगुलर मेंसेस की प्रॉब्लम है, ताकि आपको समझ में आए कि आप अच्छे फिटनेस के लिए अपने आपका ध्यान रखिए। मेल के अंदर भी हाई लेवल ऑफ टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजेन, इसके वजह से बाल झड़ने लगते हैं। इसको मेल पैटर्न बाल्डनेस भी कहा जाता है। उनका बहुत बाल झड़ चुका होता है या हेयर लॉस बहुत ज़्यादा हो चुका होता है, फिर भी इन केसेस को भी मैं बहुत अच्छे से इलाज करती हूँ। वह पेशेंट्स कुछ ही महीनों में पेशेंट्स अपने आप को बहुत ही अच्छी तरह से सेटिस्फैक्ट्री और हैप्पी हो जाते हैं। इसका क्या क्या इलाज है? न्यूट्रिशन भी हमें बहुत अच्छे से रखना चाहिए, क्योंकि बैड न्यूट्रिशन भी यदि आपका है, आप अच्छे से खाना नहीं खा रहे हो या आपको कोई डिफिशेंसीज है, तो उसके वजह से भी बालों के झड़ना आम बात है। उसी तरह आप यदि स्ट्रेस में हो, यदि आपको स्लीपलेसनेस है, या आपको कोई सडनली शॉक लगा हो, या सैडनेस है, या कोई प्रॉब्लम है, तो उसके वजह से भी टेम्पररीली बाल झड़ सकते हैं। तो उसके लिए भी आप दवाई लीजिए। मेंटल हेल्थ को कभी भी निग्लेक्ट ना करिए। और एक तीसरी बात, मतलब जो हमारा डाइट है, मोटापा आजकल बहुत बढ़ रहा है, तो मोटापा कुछ हार्मोनल इम्बैलेंसेस कर देता है। यदि आपको थायराइड और पीसीओडी या अदर प्रॉब्लम नहीं है, तो यहाँ रहे बाल झड़ने के मुख्य कारण। एलोपैथी में इसको क्या सॉल्यूशन है वह बात करेंगे। एलोपैथी में वह न्यूट्रिशंस आपको दे देंगे, जब तक आप उनके कुछ दवाइयाँ लेते रहेंगे या कुछ स्ट्रॉन्ग मेडिकेशंस लेते रहेंगे, तब तक आपको लगेगा कि बाल ठीक है, लेकिन आप जैसे ही मेडिसिन बंद करते हैं, बाल झड़ना वापस शुरू हो जाता है। इसके विपरीत होम्योपैथी पूरी तरह से अच्छे से जड़ से काम करती है और उसको जड़ से ही बालों का झड़ना रोकती है, क्योंकि होम्योपैथी माइंड और बॉडी दोनों पर काम करती है। हम जब पेशेंट आते हैं तो सिर्फ बालों के लिए दवाई नहीं देती, उसका रीज़न क्या है, कारण क्या है, किस वजह से बाल झड़ रहे, इसका अच्छे से हम विश्लेषण करते हैं। हमारे होम्योपैथी में हर एक पेशेंट्स की दवाई, यदि आपको सेम प्रॉब्लम है तो भी आपकी दवाई अलग अलग रहेगी, यह विशेषता होम्योपैथी की है। तो इस बात का ध्यान रखिए, अच्छे डॉक्टर को कांटेक्ट करिए, और कुछ प्रॉब्लम आए तो आप हमें भी पूछ सकते हैं। कॉमन मेडिसिन हम जो यूज़ करते हैं, लेकिन आप अपने डॉक्टर को पूछकर ही मेडिसिन लीजिएगा, खुद के मन से मत लीजिएगा। उसमें प्रमुख कुछ मेडिसिन है जो है, जैसे फॉस्फोरस का पेशेंट जब आता है, एक तो उसका कॉन्स्टिट्यूशन भी अलग होता है, लीन, थिन, टॉल, और बाल ऐसे उसके एकदम मुलायम से होते हैं और बहुत सारे झड़ते हैं। जैसे ही वह कंघी करता है तो हर वक्त हाथ में इतने सारे बाल आ जाते हैं। उसके दूसरी जो मेडिसिन है, लाइकोपोडियम, तो लाइकोपोडियम के अंदर जब हम देखते हैं तो उसके कमर का भाग थोड़ा मोटा होता है लेडीज़ का, फॉर एग्ज़ाम्पल, और उनके भी बाल काफ़ी झड़ते हैं, जैसे ही कंघी डालते हैं बहुत झड़ते हैं, इनको डाइजेशन की भी प्रॉब्लम रहती है। इसके अलावा सेपिया एक लेडी होती है, लीन थिन लेडी, जो घर में भी बहुत काम करती है, बहुत एक्टिव रहती है, और इनको थायराइड की या पीसीओडी की समस्या भी रहती है, तो
तो इनके लिए सेपिया बहुत अच्छे से काम करती है। इसके अलावा भी बहुत सी मेडिसिन है जैसे स्पिंगुनारिया, काली मोर, काली कार्ब, अन्य सल्फर, कल्केरिया फ्लोर, बहुत सारी मैं सैकड़ों मेडिसिन यूज़ करती हूँ। पेशेंट कुछ कॉम्बिनेशन भी यूज़ करने पड़ते हैं क्योंकि जब पेशेंट को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो सिर्फ एक दवाई से काम नहीं चलता है, उस वक्त हमें डिटेल्स में देख के काम करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसा लगा आप प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर करिए और बेल आइकॉन भी ज़रूर बजाइए ताकि आपको भी नेक्स्ट टाइम मेरे इंफॉर्मेटिव वीडियोस जल्द से जल्द आपको मिल सके। कुछ क्वेरीज हैं तो ज़रूर कॉन्टैक्ट करिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।